मैं कृतिका वी 24 तास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खास बातें। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म धमाका की शूटिंग महज 10 दिनों में पूरी हुई। इस फिल्म में कार्तिक के साथ अमृता सुभाष भी नजर आएगी। इस फिल्म में कार्तिक न्यूज एंकर का किरदार निभा रहे हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा श्रद्धा कपूर का जन्मदिन है। श्रद्धा कपूर इन दिनों मालदीव में अपने पूरे परिवार के साथ उनकी मौसी पद्मिनी कोल्हापुरे के बेटे प्रियांक की शादी एंजॉय कर रही है। बर्थडे बॉय टाइगर श्रॉफ के जन्मदिन पर टाइगर की अगली फिल्म हीरो पंत्री 2 का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया। इस फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। हीरो पंत्री 2 इस साल 3 दिसंबर को रिलीज हो सकती है। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की बायोपिक फिल्म साइना का टीजर रिलीज किया गया। इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा साइना का किरदार निभाती नजर आएगी। ये फिल्म 26 मार्च को रिलीज होगी। क्रिकेटर हरभजन सिंह अब फिल्मों में भी नजर आएंगे। उनकी फिल्म फ्रेंडशिप का टीजर रिलीज किया गया है। ये फिल्म रोमांटिक स्पोर्ट्स फिल्म है जिसे तमिल, तेलुगु और हिंदी इन 3 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को लेकर चर्चा थी कि वो महाभारत पर वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब वो इस फिल्म पर काम नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आमिर का मानना है कि महाभारत पर काम करने का ये सही वक्त नहीं है और वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें दीपिका अपने डेली रूटीन और उनके आगे की प्लानिंग को लेकर बात कर रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए दीपिका ने लिखा, मेरा डेली रूटीन इसे अंत तक देखे। 90 के दशक में एक्शन हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड में 27 साल के अपने फिल्मी करियर में 110 फिल्में की और उनकी 11 फिल्में हिट साबित हुई। एक अच्छे एक्टर होने के साथ ही वो एक बिजनेसमैन भी है। उनकी बिजनेस की वजह से उन्हें बॉलीवुड का अंबानी कहा जाता है। सूरज पंचोली और इसाबेल कैफ की फिल्म टाइम टू डांस का नया गाना बेबी तू ना जा रिलीज किया गया। अर्जुन रामपाल और सनी लियोनी की फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव 17 सितंबर को रिलीज होगी। ये फिल्म भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय पर आधारित है। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खास बातें। ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए वी 24 तास।